Hello friends, this is Sangam Fori. Welcome back to my channel Pharmacetry. Friends, in this video I'm going to talk about Entavir 0.5 mg tablet. A tablet Entavir 0.5 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो न सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन, यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है Entavir 0.5 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, Entavir 0.5 mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल वायरल डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। वायरल डिजीज कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा डिजीज जो वायरस के कारण होता हो, तो उसे ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला, ये क्या प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटीवायरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, और एंटीवायरल कैटेगरी दूसरे शब्द में एंटी रेट्रोवायरल भी बोल सकते हैं। अब जाहिर सी बात, हमने स्टम का इस्तेमाल किया है, तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि सर, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटीवायरल कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, एंटीवायरल कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो, चाहे वो इंजेक्टेबल फॉर्म, कोई भी वैसा मेडिसिन जिसका इस्तेमाल वायरस से होने वाले डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है, वैसे सारे मेडिसिन को क्या बोलते हैं, एंटीवायरल कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ना हर चीज को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। क्या फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित, काफी हाईली रेपुटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में ना 10 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 600 रुपए से लेकर 700 रुपए के आसपास होते हैं, उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली जो मेडिसिन देखते हैं, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है? तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल एंटीसेविर 0.5 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल वायरल डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टेड ट्रीटमेंट में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर वन इसे है ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिजीज। कि अगर कोई भी डिजीज जो वायरस के कारण हो रहा है, ड्यू टू वायरस, ठीक है, और कोई डिजीज अकर हो रहा है वायरस के कारण हो, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी, कि अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, कि कभी कभी इसका इस्तेमाल जो क्रोनिक हेपेटाइटिस, मतलब बहुत लंबे समय से किसी को हेपेटाइटिस की बीमारी है, बी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, तो उसको भी क्योर करने के लिए ठीक डॉक्टर इसका इस्तेमाल करता है। फ्रेंड्स, बेसिकली इतने जगह पर इसका इस्तेमाल, तीन जगह पर, वायरल डिजीज को, हेपेटाइटिस बी को, और क्रोनिक हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव को ठीक करने किया जाता है। लेकिन कभी कभी डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर इसका इस्तेमाल एड्स में या एचआईवी इन्फेक्शन को भी रोकने के लिए करते हैं, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि एचआईवी जो एक तरह से एड्स भी होता है, क्या होता है, एचआईवी कारण होता है, जो कि क्या वायरस होता है, ठीक है, तो उसमें भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आए, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन मेनली और चीफली जो इसका इस्तेमाल होता है वो याद रखिएगा हमेशा कहाँ होता है, ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव।
हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव को कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी व्यक्ति को इस मेडिसिन को आपको नहीं देना है वरना इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर वन कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, अगर इस मेडिसिन का आप सेवन कर रहे हैं कोई भी व्यक्ति सेवन कर रहा है तो उसको अल्कोहल नहीं लेना है, या इस मेडिसिन को लेने से पहले अल्कोहल नहीं लेना, इस बात को याद रखना है। प्रेग्नेंट लेडी, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है इन द फैमिली में माँ बनने वाली है तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर तो ब्रेस्ट फ्री मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है स्तनपान कराती है तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहते हैं किडनी डिजीज, अगर कोई व्यक्ति किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होता है कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट जो कि इस प्रकार है। नंबर वन है नौजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी भी हो जाएगा। फिर कहते हैं हेडेक, हो सके आपका थोड़ा बहुत सर भी दर्द करेगा। फिर डायरिया, आपका जो स्टूल हो पानी की तरह पतला हो जाएगा, बहुत गंदा स्मेल देगा बास देगा। फिर कहते हैं पेन अपडोमिन, हो सके आपको पेट दर्द भी कर सकता है। फिर कहते हैं फैटीज, हो सके आपको थकान, फैटीज मतलब थकान होगा, थकावट थकावट महसूस होगा। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके लिए डॉक्टर दूसरे ब्रांड को क्या करेंगे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीज़ों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, जिनकी उम्र 18 प्लस उनके लिए 1:OD या BD दोनों दे सकते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर BD ही चलाते हैं। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गए होंगे कि एंटावीर 0.5 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।